नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त नमचंद। आज एक और नया वीडियो को लेकर आए हैं जय कृषि मंदिर मोरिया की ओर से, जो कि हम एक अजवाइन जो कि हमारी मुख्य फसल है उसके साथ हम ये भी बताएंगे कि हमने इसमें इंटर क्रॉपिंग यानी कि मिश्रित खेती भी की है। आप देख रहे होंगे हमारी ये मुख्य फसल जो कि अजवाइन है उसके साथ हमने मिश्रित खेती भी की है जो कि सूरजमुखी, ये देखिएगा इसकी हमने दूरी दो दो ढाई ढाई फीट की रखी है और इसकी चौड़ाई में 7 फीट करीब हमने रखी है ताकि हमारी जो मुख्य फसल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमने इसकी गैप ज़्यादा थोड़ी रखी है। आप देख सकते हैं हमारा वीडियो में, ताकि हमारी मुख्य और इसकी तैयारी कैसे करते हैं। पहले हमने अजवाइन को छिटका, उसके बाद फिर एक ट्रैक्टर से हमने खाद बीज करके हमने अजवाइन लगाया। उसके बाद हमने 5-7 दिन बाद इस सूरजमुखी को हमने लगाया जो कि उसके साथ 5-7 दिन बाद हमने सूरजमुखी के बीज लगाए जो कि दो दो फीट की दूरी पर हमने लगाए थे ताकि हमारी जो मुख्य फसल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमने दो दो फीट लगाया। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसका हमने दो दो फीट की इस पारी पर लगाया और 7 फीट की चौड़ाई इसमें हमने दी है ताकि हमारी अजवाइन को कोई नुकसान नहीं हो। रुको, करीबन यह फसल 50-55 दिन की हो चुकी हैं और 20-30 दिन के अंदर इस फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और इसके साथ किसान भाइयों एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा जो कि हमारा खासकर आजकल नुकसान बोलो नहीं चालू बंद, जो कि आजकल बहुत ही नुकसान होता है हमारा, जो कि घोड़ा रोग से ज़्यादा परेशानी आती है। इसमें ना तो घोड़ा रोग आते हैं, ना कोई जंगली जानवर इसको खाते हैं और ना ही इसमें अंदर आते हैं। खासकर किसान भाइयों इसकी यह सुविधा है जो कि इसमें कोई नुकसान नहीं है इसके साथ। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा हमारा वीडियो देखने के लिए, लाइक करें एवं शेयर करें वीडियो अगर पसंद आए तो।